बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं बुंदेलखंड की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। नवाबाबाद थाना क्षेत्र के अटल एकता पार्क के सामने स्विफ्ट कार ने बाइक सवार में टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया, जिसमें स्विफ्ट कार सवार कार लेकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार शिवाजी नगर का रहने वाला सुनील कुशवाहा अपने दोस्त राम स्वरूप के साथ दिनारा जा रहा था। उसके साथ 5 वर्षीय बेटा समर्थ व 4 वर्षीय बेटी सोनम साथ में थी, जिसमें बेटे और पिता की को चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल के लिए भेज दिया है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन के क्रम के प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी झांसी के माध्यम से ज्ञापन भेंट किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण कराए जाने के लिए आंदोलन लंबे समय से किया जा रहा है। हर बुंदेली हृदय से अपना राज बनवाना चाहता है। गत लोकसभा चुनाव में झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से संसद एवं पूर्व केंद्र मंत्री उमा भारती जी ने आप मान्यवर जी के समक्ष बुंदेलखंड राज्य 3 साल के भीतर बनवा देने का वादा बुंदेलखंड की जनता ने से किया था। 3 साल की जगह 7 साल 7 माह पूरे हो गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 जनपदों क्रमशः झांसी, बांदा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट एवं महोबा को मिलाकर बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन किया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, दतिया एवं निवाड़ी को मिलाकर बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का गठन किया है। जहां हम औरतों का सम्मान करते हैं और देवी के रूप में पूजा करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ससुराल द्वारा बहुओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले भी सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है प्रेमनगर से, जहां पीड़ित सीमा अहिरवार को ससुराल द्वारा मारपीट की खबर सामने आ रही है। जब सीमा पत्नी अनिल निवासी नगरा दिनांक 6/12/21 को जब काम करके घर पहुंची, तब रात में अंधेरे होने के कारण उसने अपने ससुराल वालों से पूछा कि बल्ब कहाँ है। रात्रि होने के कारण उसे खाना बनाना व अन्य घरेलू काम करने थे, परंतु सीमा का कहना है कि उसकी ननद लाली ने उसके साथ व उसके बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में सीमा की सास हिमाचल देवी ने उसके साथ भी मारपीट की और उसे और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया। उसके बाद सीमा थाना प्रेमनगर पहुंची, तब सीमा को प्रेमनगर थाने से आश्वासन देकर लौटा दिया गया। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से महिला ने लगाई न्याय की गुहार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा निर्देशित किए गए घर घर समाजवादी झंडा लगाओ अभियान के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गांव गांव जाकर समाजवादी झंडा लोगों के घरों में लगा रहे हैं। इस अभियान के चलते समाजवादी पार्टी के प्रति जनता का प्रेम दिख रहा है। समाजवादी घर घर झंडा लगाओ अभियान के तहत झांसी जिलाध्यक्ष महेश कश्यप पूरे ऊर्जा के साथ गांव गांव जाकर स्वयं झंडा लगाओ अभियान करवा रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविंद्र कुमार, IAS के मार्गदर्शन एवं स्वीप के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षण श्री कोमल यादव के निर्देशन में जनपद के विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न आयोजन किए गए। आज दिनांक 30 दिसंबर 2021 को झांसी विधानसभा क्षेत्र में सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झांसी में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत निर्वाचन और मतदाता संबंधित जानकारी उप जिलाधिकारी सदर श्री क्षितिज द्वारा दी गई। झांसी के मरानीपुर में बसपा की मंडल स्तरीय जनसभा आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। जनसभा में कोरोना वायरस का पालन नहीं किया गया। BSP के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया, केवल पत्थर लगवाने एवं झूठे वादे करने में लगे रहे। मुख्यमंत्री योगी ब्राह्मणों को अपना विरोधी मानती है। प्रदेशों में ब्राह्मणों के शो एनकाउंटर कराए गए। अपनी जाति विशेष के आरोपियों को बचाने के लिए हाथरस में बलात्कार की पीड़ित किशोरी के शव को परिवार को नहीं सौंपा गया। प्रशासन से जलवा दिया गया, किसानों के साथ छलावा किया गया। झांसी में आज मोतीलाल पुत्र कूड़े निवासी खेरी थाना गरौठा की बकरी गांव के ही श्यामलाल साहू द्वारा दिनांक 13 नवंबर 2021 को चोरी कर ली गई, जिसकी रिपोर्ट गरौठा थाना से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने 25 नवंबर 2021 को FIR की गई। 1 माह बीत जाने के बाद गरौठा थाना द्वारा विपक्षी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उक्त व्यक्ति को संरक्षण देकर तथा समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि प्रार्थी की चोरी की गई एक बकरी ग्राम नेपान के संतोष प्रजापति के घर बरामद हुई।
पुलिस द्वारा ना तो धारा बढ़ाई गई ना तो मुकदमा दर्ज किया गया। 22 दिसंबर 2021 को पुलिस द्वारा व्यक्ति की गिरफ्तारी घर से की गई। दिन भर थाने में बैठाकर उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। जब थाना अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने समझौता कराने का दबाव बनाया। व्यक्ति पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है।